कार्यालय में किरण आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के बाद अब सारे रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक। दीपावली में सिलेंडर हुआ महंगा, 11 दरवाजों से 8000 क्यूसेक पानी छोड़ा। अब खबरें विस्तार से। कल सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिटी का उद्घाटन हुआ था। यह स्मारक 182 मीटर ऊंचा है, लेकिन यह स्मारक केवल 3 साल तक ही है। विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड दर्ज कराने वाला स्मारक होगा, क्योंकि 3 साल बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक दुनिया का सबसे बड़ा स्मारक रहेगा, जो 190 मीटर ऊंचा है। शिवाजी महाराज के स्मारक की आधारशील रखने के दौरान पीएम मोदी जल पूजन भी करेंगे। इस समारोह के लिए राज्य के कोने कोने से मिट्टी और नदियों का जल कलश में भरकर लोग शोभा यात्रा निकालते हुए मुंबई पहुंच रहे हैं। मुंबई के पास अरब सागर में 3600 करोड़ की लागत से बनने वाले छत्रपति राजे के भव्य स्मारक की नींव प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे। पीएम मुंबई पुणे मेट्रो रेल परियोजना की आधारशील भी रखेंगे। मुंबई के गिरगांव चौपाटी के नजदीक समुद्र में तट से करीब 1.5 किलोमीटर अंदर छत्रपति राजे के स्मारक निर्माण होने वाला है। समारोह की जगह छत्रपति राजे शिवाजी इनका दरबार और सिंहासन की तरह एक विशेष मंच बनाया जा रहा है। इस समारोह को लेकर पूरे महाराष्ट्र में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। हर बार की तरह इस बार भी त्योहार में सरकार ने भारतवासियों को दिया एक बड़ा तोहफा, और ये तोहफा का लाभ कुछ इस तरह है। इस दिवाली में सभी का दिवाला निकलने वाला है। दिवाली के शुभ पर्व पर सिलेंडर गैस महंगा कर दिया गया है, ना अच्छी खबर। यही तो हमारे सरकार की नीति है, अब आम नागरिकों का इसमें कोई विचार नहीं किया जाता। संबंध पानी प्रोसेस प्रोसीजर के हिसाब से आज कड़े कोट पुलिस बंदोबस्त के नागरिकों में नगर जिले से पानी छोड़ा गया। मुला बांधा से सुबह 9 बजे 1.90 टीएमसी पानी छोड़ा गया। यह पानी मुला नदी पात्र में छोड़ा गया। पानी की रफ्तार 8000 क्यूसेक इतनी है। इसे 11 दरवाजे से स्वतंत्र कराया गया। एमएनएस न्यूज में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए एमएनएस इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे एमएनएस न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।